सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। फसलें जो चौपट हुई उसका मुआवजा तत्काल बीमा क्लेम और नेशनल हाईवे जो बनाया जा रहा है झांसी खजुराहो उसका मुआवजा नए सर्किल रेट 2018 से दिया जाए। 2018 से नहीं चाहिए। अगर हमारी बात नहीं मांगती तो हम लोग लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन हम अपना ले कर रहेंगे। गिनी चुनी वही दो चार मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जो सम्मान निधि माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए योजना लाए हैं उस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। योजना में बहुत बड़ा भेदभाव है, जहां कई किसानों की दो दो तीन तीन किस्तें आ गई, वहीं अभी कई परसेंट यानी 40% किसान ऐसे बाकी पड़े हैं जिनके पास एक भी किस्त नहीं आई। वो मांग है हमारी। और दूसरी मांग हमारी ये है कि झांसी जिले की तहसील मऊरानीपुर में अवैध खनन जोरों पर शासन प्रशासन की मिलीभगत से खनन हो रहा है। अगर खनन बंद नहीं हुआ और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की तो भारतीय किसान यूनियन भानु आने वाले कुछ दिनों में बृहद आंदोलन करेगी। अन्ना जानवर बड़ी भयंकर समस्या है, बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा और उन नाव में जो किसान अपने हक की मांग कर रहे थे उन पर शासन द्वारा लाठियां चलाई गई जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान जब अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको हक तो छोड़िए साहब, बदले में उसको लाठियां मिलती हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। आज महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है, किसान लोग नेता किस तरह? हमारे लिए गर्व की बात है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया अपने देश के लिए। आज हम उस वीरांगना की जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमें गर्व है कि जिन्होंने हमारा सिर ऊंचा किया है, बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है और उन्होंने अपना सब कुछ प्राण तक दे दिए, अंग्रेजों से लड़ी, हम लोगों को आज़ादी दिलाई, हमें उन पर गर्व है। आज हम लोग धूमधाम से उनकी जयंती मनाएं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।